नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर फॉलो कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगते हैं। और हर बार की तरह हम बात करेंगे मंथली राशिफल की, यानी कि कैसा रहेगा आने वाला महीना जुलाई 2023। हम बात करेंगे इस वीडियो में मेष राशि के जातकों की कि मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में वो कैसी रहने वाली हैं जुलाई 2023 में। चलिए तो सबसे पहले आपके हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ के लिए जो हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं वो कार्ड्स आ रहे हैं द लवर्स कार्ड आ रहा है और एम्प्रेस कार्ड आ रहा है। अगर हम मेष राशि के जातकों की बात करें इस वीडियो में, क्योंकि हम सिर्फ केवल 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 एरीज वालों की ही बात कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो हेल्थ है वो इस महीने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं जो लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आने वाले समय में कोई खुशखबरी की, यानी कि अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खास तौर से जो मेल्स हैं वो अपनी जो उनकी लाइफ पार्टनर है अपनी फीमेल्स का, उनका ध्यान रखें, यानी अपनी जीवन संगनी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी रहने वाली है। मगर जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे उनके लिए ये महीना बेहद ही यादगार और खास रहने वाला है। चलिए बात करते हैं हम अगले चीज की कि आपका लोगों का जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहने वाला है जुलाई 2023 में। तो जुलाई 2023 में अगर रिलेशनशिप की बात करें तो काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी रहेंगी और आप जो अपना समय है वो दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास कार्ड आ रहा है रिलेशनशिप के लिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं ये समय आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, पारिवारिक जीवन में भी अपना समय बिताएंगे, मगर किसी चीज़ को लेकर के, खासतौर से अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हो सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि किसी भी चीज़ को लेकर के लापरवाही नहीं बरतनी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मेरे पास आ रहा है इस चीज़ के लिए, तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा या कोई भी विवाद उत्पन्न हो। फाइनेंस की बात करेंगे, फाइनेंस के लिए कार्ड्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो हर्मेट और थ्री ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि फाइनेंस को लेकर के थोड़ा सा ये महीना डाउन जाएगा, दिल टूट सकता है आपका किसी चीज़ को लेकर के, यानी कि अगर कोई फाइनेंशियली एक्सपेक्टेशंस आप लेकर के बैठे थे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी से आपको पैसा आना था, क्योंकि हर्मेट कार्ड भी आ रहा है, तो पैसा अगर आना था तो वो भी इस समय पे ऑब्स्टैकल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, जिस वजह से आपको पैसा उतना नहीं मिल पाएगा जो आप एक्सपेक्ट करके बैठे थे। तो फाइनेंशियली थोड़ा सा मैं कहूँगी इस महीने जो है आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह से आपका जो पैसा आप दे रहे हैं वो आप वापस आए या ना आए, ये चीज़ की आप आस लगा के ना बैठे। दूसरा जो है, आप अगर इस समय पे इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। जुलाई के महीने में इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो आने वाले समय में पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऑल ओवर अगर हम बात करें कि जुलाई 2023 का महीना मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, तो ऑल ओवर अगर हम एक रेटिंग्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 70% अच्छा रहेगा। बट यहाँ पे हमें क्योंकि ट्रैवलिंग कार्ड भी मिल रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैवल भी आप कर सकते हैं जुलाई के महीने में। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जान पूछ के की गई हो, या फिर हम यूँ कह लें कि आपको पता है कि वो कार्य गलत है फिर भी आप वो कर रहे हैं, जैसे कि चीट करना किसी से, या फिर अगर खाने में ही अपने आप से चीट करना, जो लोग डायबिटिक हैं या कोई ऐसी बीमारी के शिकार है जिनको उनको लगे कि और कुछ खाने से नुकसान हो सकता है तो इसीलिए आप लोग वो फिर भी खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें समय पर अवॉइड करके चलिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा छोटा सा उपाय आपको करना है पूरे ही जुलाई में, क्योंकि जुलाई में श्रावण मास भी आरंभ हो रहा है, भगवान शिव को गुड़ का जल जरूर अर्पित कीजिएगा, ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि का जुलाई 2023 कैसा रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय श्री राधे।